नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है गणितीय विवेचन। इसी को यदि अंग्रेजी में लिखा जाए तो हम इसको लिखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। इस पाठ की खास बात ये है कि इसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको उसको हल नहीं करना, यानी ना तो आप उसमें कुछ जोड़ घटा करेंगे या ना ही उसमें किसी सूत्र का उपयोग करेंगे। यह एक बहुत सामान्य सी सूझबूझ पर आधारित पाठ है जिसमें आप सरलता पूर्वक अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कथन क्या होता है, पूर्व ज्ञात कथनों से नए कथन कैसे बनाए जाते हैं और विशेष शब्द या वाक्यांश किन्हें कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कथन की परिभाषा से। एक वाक्य गणितानुसार कथन कहलाता है यदि वह या तो सत्य हो अथवा असत्य हो, परंतु दोनों सत्य और असत्य ना हो। जैसे कि 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 = 4। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा गिनतियों के बारे में, 1, 2, 3 ऐसे कुछ अंक, फिर आपने उनको जोड़ना और घटाना सीखा होगा। तो जब भी 2 के साथ 2 जोड़ते हैं तो हमेशा 4 मिलता है। वो ना तो कभी 3 होता है, ना ही कभी 5 या कोई अन्य संख्या। तो यह कथन जो है वो हमेशा के लिए सत्य है और इसलिए इसको हम कथन कह सकते हैं। अगला हमारा वाक्य होगा 2 धन संख्याओं का योगफल धन होता है। तो यदि 2 धन संख्याएं ली जा रही हैं तो दोनों के आगे का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? वो प्लस का चिन्ह होगा, जिसके कारण जो योगफल आएगा वो भी धन संख्या ही होती है। तो यह जो वाक्य है वो हर स्थिति में सत्य है, इसलिए हम इसको कथन कह सकते हैं। अगला उदाहरण है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। यह वाक्य जो है वह पूर्णतः सत्य है। क्यों? क्योंकि यदि आप सम संख्याओं की चर्चा करेंगे तो सम संख्या कोई भी आप ले लीजिए, उसको हम 2 से भाग दे सकते हैं और वो अभाज्य नहीं रहती। तो यह जो वाक्य है वह भी हमारा कथन कहला सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और उदाहरण। कहा गया है एक वाक्य में x और y का योगफल 0 से अधिक है। तो जरा आप सोचकर बताइए, क्या ये कथन सत्य है या फिर असत्य? चलिए अपनी पुस्तिका निकालिए और उसमें हल करने का प्रयत्न कीजिए। तो दोस्तों, इसमें 2 स्थिति हो सकती है। आइए मेरे साथ देखिए और समझिए। यदि मैं x का मान 1 ले लूं और y का मान 0 ले लूं, तो इसका जो योगफल आता है वो आता है 1, जो कि 0 से अधिक है। किंतु यदि यहां पर मैं स्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर दूं, x का मान ले लूं 1 और y का मान ले लूं -3, तो जब इनका योग होगा तो आता है -2, जो कि 0 से छोटा है। तो ये जो वाक्य है वो सत्य होगा या नहीं होगा वो किस बात पर निर्भर करता है? इस बात पर कि x और y का मान आप क्या ले रही हैं। तो यह वाक्य ना तो पूर्णतः सत्य है और ना ही पूर्णतः असत्य है। तो ऐसे वाक्य को हम कथन नहीं कहते। अगला वाक्य है, आहा कितना सुंदर है। अब यह जो वाक्य है वो विस्मय बोधक वाक्य है, इसलिए हम इसको कथन नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वाक्य में किस चीज की चर्चा की गई है, वह सुंदर है या नहीं है। अगला वाक्य है, द्वार खोलिए। द्वार यानी दरवाजा। ये एक प्रकार का आदेश है और जो आदेश होता है वाक्य में हम उस वाक्य को कथन नहीं कहते। अब अगला वाक्य है, आप कहाँ जा रही हैं। ये एक प्रकार का प्रश्न है और प्रश्नों को हम कथन नहीं कहते। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरण से एक रोचक तथ्य जानते हैं। अब आपके सामने एक वाक्य लिखा है, कल शुक्रवार है। यहां पर मैं इस शब्द पर गौर करूं, कल। तो यदि
मैं वीरवार को यानी थर्सडे को बोलूं कि कल शुक्रवार है, तब तो ये कथन सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मंगलवार को बोलूं कि कल शुक्रवार है, तो क्या वह कथन सत्य होगा? वह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार के बाद तो बुधवार आता है। तो इस कारण यह जो वाक्य है वो अलग अलग परिस्थिति में या तो सत्य हो रहा है या असत्य हो रहा है। इस कारण हम इसको कथन नहीं कह सकते। अगला है कथन, वह गणित की एक स्नातक है। अगला वाक्य है, वह गणित की एक स्नातक है। यहां पर वह, हम नहीं जानते वह कौन है, तो हम यह भी नहीं कह सकते कि वह गणित की एक स्नातक है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा गणित में बहुत अच्छा हो सकता है और दूसरा बच्चा गणित में भी, दूसरा बच्चा जो है शायद उसे गणित में कम अंक प्राप्त करते हो या फिर उसको गणित ठीक से नहीं आता हो। तो वह में एक विस्मय आ रहा है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि किस बच्चे की चर्चा की जा रही है, तो इस वाक्य को हम कथन नहीं कहेंगे। और फिर अब अगला वाक्य है, कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ कहाँ से? तो इस शब्द के कारण यह वाक्य जो है वो कथन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यदि मैं हिमाचल में जाके ये बोलूं कि कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, तो क्या वो कथन सत्य होगा? वो सत्य नहीं होगा। लेकिन यदि यही बात मैं कन्याकुमारी जाकर बोलूं कि कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, तब यह वाक्य जो है वो सत्य हो जाएगा। तो परिस्थिति पे निर्भर करता है कि आप बोल कहां से रहे हैं। तो जिन भी वाक्यों में कल, वह या यहां ऐसे शब्दों का उपयोग होता है, वह कथन नहीं कहलाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक अगला विषय, पूर्व ज्ञात कथनों से नए कथन बनाना, जिसमें पहला है किसी कथन का निषेधन। किसी कथन को नकारना उस कथन का निषेधन कहलाता है। जैसे कि अगर आपके सामने एक कथन लिखा जाए कि नई दिल्ली एक नगर है और आप कहें कि नई दिल्ली एक नगर नहीं है, तो आपने उस कथन को नकार दिया इस शब्द के उपयोग से। तो इसलिए यह जो है वो पूर्व जो कथन दे रखा था उसका निषेधन हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परिभाषा। यदि पी कोई एक कथन है तो पी का निषेधन, तो पी का निषेधन वह कथन है जहां पी को नकारा जाता है। और इसे प्रतीक यहां पर आप देख रखे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इससे दर्शाया या फिर निर्दिष्ट किया जाता है और हम इसे पी नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला, मिश्र कथन या फिर संयुक्त कथन। तो एक मिश्र कथन है, एक मिश्र कथन को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? जब दो या दो से अधिक ऐसे कथनों द्वारा बना हो, उस स्थिति में प्रत्येक कथन को घटक कथन कहते हैं। यानी कहना ये चाह रहा है, आप जब दो या दो से अधिक कथनों को जोड़ देते हैं तो वह जो है वो घटक कथन कहलाते हैं, और उनको मिलाने से जो कथन बनता है वह मिश्र कथन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी पर आधारित कुछ उदाहरण। निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक मिश्र कथन दिया हुआ है, आपको उसके घटक कथनों को ज्ञात करना है। आकाश नीला है और घास हरी है। यहाँ पर दो बातों की चर्चा की गई है, आकाश नीला है यह एक अलग कथन है और घास हरी है। तो पहला घटक कथन हुआ आकाश नीला है और दूसरा घटक कथन हुआ घास हरी है। आगे बढ़ के हम करेंगे एक और उदाहरण। शून्य एक धन संख्या है या एक ऋण संख्या है? तो शून्य जो है वही धन संख्या है और शून्य जो है वही एक ऋण संख्या है। तो यहां पर भी ये दो अलग अलग कथन हुए, लेकिन आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि शून्य एक धन संख्या है और दूसरा घटक कथन आप लिखेंगे शून्य एक ऋण संख्या है, क्योंकि शून्य जो है उसी पर आधारित ऊपर दोनों कथनों की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला विषय, विशेष शब्द वाक्यांश।
तो संयोजक यहाँ पर पहला जो है वो विशेष शब्द है और इसी को हम अंग्रेजी में एंड कहते हैं। किसी बिंदु का एक स्थान होता है और उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। यह आपके सामने एक कथन दे रखा है। तो पहला घटक कथन हुआ किसी बिंदु का एक स्थान होता है और दूसरा हुआ उसकी स्थिति निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर उपरोक्त जो वाक्य हैं वे दोनों के दोनों ही सत्य हैं। आगे बढ़े तो हमने एक और उदाहरण देखा। संख्या 42 संख्याओं 5, 6 और 7 से भाज्य है। तो जब भी संयोजक की चर्चा की गई है तो वहां पर मिश्र कथन होता है और जहां मिश्र कथन होता है वहां पर घटक कथन होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप इस मिश्र कथन के घटक कथन बनाएंगे कि P पहला घटक कथन है, संख्या 42 संख्या 5 से भाज्य है, अगला है कि 6 से भाज्य है और उसके बाद है कि 7 से भाज्य है। अब देखते हैं कितने कथन इसमें सत्य हैं और कितने असत्य। तो जो पहला कथन है 42, क्या वो 5 से भाज्य है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 से भाज्य केवल वही संख्याएं होती हैं जिसके अंत में या तो 5 आता हो या फिर 0 आता हो। यहाँ पर तो 2 है। तो पहला जो कथन है वो असत्य है और बाकी के जो दोनों हैं वो दोनों ही सत्य है। क्यों? क्योंकि जब आप 6 को 7 से गुना करते हैं तो आपको 42 प्राप्त होता है। तो शेष 2 जो है वो सत्य है। अब ये जो हमने 2 उदाहरण देखे इनसे हमें सीखने को क्या मिला? ये कि संयोजक और के प्रयोग द्वारा जब हमने मिश्र कथन बनाया और उस कथन का सत्य होना किस बात पर निर्भर करता है? इस बात पर कि उसके जितने भी घटक कथन हैं वो सत्य होने चाहिए। और संयोजक और के प्रयोग द्वारा जब मिश्र कथन है उसको हम असत्य कब कह सकते हैं? यदि इसका कोई भी एक घटक कथन जो है वो असत्य हो जाए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत रोचक लग रहा होगा क्योंकि आपने इसमें कुछ भी हल करके या ऐसे स्टेप में कुछ नहीं किया। आप केवल इसको पढ़ रहे हैं और एक सामान्य सूझबूझ का उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला विशेष शब्द या वाक्यांश। शब्द या से प्रयुक्त वाक्य और अंग्रेजी में कहें तो द वर्ड और। किसी आहार गृह में एक थाली के साथ आइसक्रीम या पेप्सी भी उपलब्ध की जाती है। यह अपवर्जित या कहलाता है। उसी प्रकार यदि आप इसको समझना चाहें तो पहले दूसरा उदाहरण देखिए, फिर आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। शब्द या से प्रयुक्त वाक्य में अगला उदाहरण है, एक विद्यार्थी जिसने जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान विषयों का चयन किया है वह सूक्ष्म जीव विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। यह अंतर्विष्ट या कहलाता है। तो या का उपयोग किस प्रकार से होता है यह इस बात को निर्धारित करता है कि या अंतर्विष्ट होगा या फिर जो हमारा पहला था अपवर्जित होगा। आइए समझ लेते हैं। अपवर्जित या प्रयुक्त मिश्र कथन सत्य होता है जब उसका कोई एक घटक कथन सत्य हो या उसके दोनों घटक कथन जो है वो सत्य हो। या तो एक घटक कथन सत्य हो जाए या फिर दोनों घटक कथन सत्य हो जाए तो मिश्र कथन जो होता है वो सत्य हो जाता है और अपवर्जित या कहलाता है। दूसरी स्थिति है अंतर्विष्ट या प्रयुक्त मिश्र कथन जो है वो असत्य होता है जब उसके दोनों ही घटक कथन असत्य होते हैं। तो जब सत्य की बात की गई है तो केवल एक के ही सत्य हो जाने से हमारा काम बन जाता है, लेकिन अंतर्विष्ट में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ अपने इस अध्याय को हम समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, इसी प्रकार के और भी रोचक तथ्य आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। आज जो हमने पढ़ा वो आपकी पुस्तिका का अध्याय 14 है। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।